सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मेराध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि शान्ति शान्तिः वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड और अयोध्या कांड का 56वां सर्ग। भरत जी अयोध्या लौट आए हैं और अपनी माता कैकेयी से महाराज दशरथ के बारे में पूछते हैं, उनको क्या बीमारी हुई थी, कैसे उनके शरीर का अंत हुआ, ये सब पूछते हैं। और उन्होंने अंतिम समय में क्या कहा, ये पूछते हैं। तो माता बताती है कि अंतिम समय तो वो राम लक्ष्मण और सीता को याद करते करते उन्होंने अपने शरीर का अंत कर दिया, अपने प्राण छोड़ दिए। और अंतिम समय उन्होंने कहा कि वे लोग बड़े सौभाग्यशाली होंगे जो श्री राम लक्ष्मण सीता के वापस लौटने पर उनका दर्शन करेंगे, तो उनका प्रयोजन सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि इतने दिन वो तपस्या कर लेंगे 14 वर्ष, और 14 वर्ष के बाद अपने इष्ट देव का उनको दर्शन होगा, उस दिन वो सिद्धार्थ हो जाएंगे। सिद्धार्थ मतलब सिद्ध हो गया है प्रयोजन जिनका, और शरीर का प्रयोजन क्या है, भोग अपवर्ग। तो 14 साल तपस्या करने के बाद जो श्री राम का दर्शन करेंगे, मानो वो मुक्त हो जाएंगे, वो मुक्त आत्मा होंगे। तो मेरे को तो ये भी सौभाग्य मिला नहीं, ऐसे महाराज दशरथ ने कहा। तो जब ऐसे सुना तो फिर भरत जी को थोड़ा डाउट होता है कि वो हैं कहाँ जो उनको लौटते हुए देखेंगे और फिर लोग सिद्धार्थ होंगे, तो ये तीनों लोग हैं कहाँ। तो यहाँ तक हमने कल पढ़ा था, अब वो उत्तर क्या देंगी माता जी, वो हम आज पढ़ेंगे। तो इससे पीछे के पाठ से कुछ पूछना है किसी को? ओम पूज्यो दीदी आपका चरण प्रणाम। आपने बोला है कोई भी संबंध होती हो जाए तो उसमें टकराव आते हैं, ये संबंध यदि भक्त भगवान का होता है तो क्या होगा? तो वो अपवाद है, उसमें कोई टकराव नहीं आएगा। जितना क्लोज संबंध होगा उतना ही सुख मिलेगा। ठीक, ठीक। ओ, प्रणाम माता जी। कहते हैं कि जो तपस्या करते हैं कई दिनों तक वन में जाकर या पहाड़ों में जाकर, फिर वो संसार में आते हैं, तो उनके भीतर जो भी वाणी निकलती है वो मतलब सिद्ध वाणी रहती है। और जो शास्त्र में भी हम ऐसे वेद वगैरह हो गए, वेदों में भी पढ़ते हैं, और वही बात है, मतलब मनुष्य के जो तपस्या इत्यादि करके आए वही सुनने को मिलता है, भले ही उन्होंने वेद नहीं पढ़े हों। तो ये जो है वेद, ये मतलब मनुष्य के ही संस्कारों में रहता है या फिर उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती, मतलब ये कहना चाहता।
तो इसका एक उत्तर तो खुद वेद ने ही दिया है, यस्मिन ऋचः साम यजोंसि यस्मिन प्रतिष्ठिता। तो वो वेद मंत्र में ही ये बात कही जा रही है, और वो जो सूक्त है वो मन से संबंधित है। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, 6 मंत्र हैं जो आप सब लोग भी रात को सोते समय बोलते हैं। तो वो 6 मंत्रों का जो ग्रुप है उसका 5वां मंत्र है ये। तो यस्मिन माने जिस मन में, यस्मिन मनसी साम यजुंसी, साम वेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, ऋच से ऋग्वेद आ गया, यस्मिन ऋचे का ना, तो ऋग्वेद आ गया। तो ये चारों वेद जिसमें प्रतिष्ठित हैं, जिस मन में, क्योंकि मन का प्रसंग चल रहा है, और वो कैसे प्रतिष्ठित हैं, रथ नाभौ अरा इव, यस्मिन प्रतिष्ठिता रथना भाविवारा, रथ नाभौ इव अरा, ऐसे है उसका संधि विच्छेद। रथ, रथ का जो चक्र है उसकी नाभि बीच वाला, और उसमें चारों तरफ से अरे जुड़े होते हैं लकड़ियां, तो उसके अरों के सपोर्ट से ही वो आगे बढ़ता है। तो ऐसे ये जो मनुष्य का मन है, इसमें चारों वेदों की ऋचाएं इन अरों की तरह से चारों तरफ से जुड़ी हुई हैं। तो ये जो चारों वेदों का ज्ञान है, इसकी सपोर्ट से ही इस मनुष्य के जीवन का आगे विकास होता है। तो एक उत्तर तो ये हो गया। दूसरा उत्तर, पूज्य मुरारी बापू जी आए थे तो उन्होंने एक बात कही थी, ग्रंथों का संतों का अवतरण होता है, संतों का भी अवतरण होता है। तो वो कई जन्मों की तपस्या करने के बाद एक जो आत्मा में पात्रता उत्पन्न हो जाती है उसकी चेतना में, तो फिर कई जन्मों के बाद जाकर के फिर वो जन्मजात संत होता है, पैदा ही संत होता है वो। जैसे सुखदेव जी आदि, कपिल ऋषि आदि, सिद्धानाम कपिलो मुनि, तो ये लोग जन्मजात ही संत थे। तो उनका अवतरण होता है, उनको बनाया नहीं गया। और दूसरी, बनाने वाली भी प्रक्रिया है, जैसे आप लोग चल रहे हैं तो आपकी भी ये यात्रा कोई बिल्कुल पहली बार शुरू हुई है ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। ये पीछे के जन्मों से चली आ रही है, और ये बिल्कुल एक भागवत व्यवस्था के तहत वो व्यवस्था आपको यहाँ लाई है, जहाँ कोई बुद्ध पुरुष है, कोई जागा हुआ महात्मा है, जहाँ कोई सिद्ध ऋषि है, उसके पास अनायास कोई भी नहीं आता है, वो भगवान की व्यवस्था से ही आता है। और जिसके जिसने पहले ही वो पात्रता प्राप्त कर ली थी उनके सानिध्य की, वही आत्माएं आ पाती हैं, सब नहीं आ पाती हैं, या तो आके भी चली जाती हैं फिर टिक नहीं पाती हैं। तो जैसे संतों का अवतरण होता है, वैसे ग्रंथों का भी अवतरण होता है। तो वेद को यदि हम आदि ग्रंथ माने, उसको अपौरुषेय इसीलिए तो कहा जाता है कि कोई पुरुष इतने बड़े ज्ञान के ग्रंथ की रचना कर नहीं सकता है मानुषी बुद्धि से। मानुषी बुद्धि से ऊपर की जो चीज है अमानुषी, तो उसी को अपौरुषेय कहा। तो यद्यपि उस ज्ञान ने निमित्त तो 4 ऋषियों को बनाया, अंगिरादि इत्यादि, लेकिन वो ज्ञान उन ऋषियों का नहीं था। उनको निमित्त बना करके वो अपौरुषेय ज्ञान है। तो जैसे बापू तो मानस के बारे में कह रहे थे कि मानस का भी जो ज्ञान है, तो उनका ये मानना है कि एक एक जो चौपाई है वो इतने ज्यादा गहन गंभीर अर्थ को अपने अंदर समेटे हुए है कि हम तुलसी जी ने वो लिख दिया होगा किसी नॉवल की तरह से, ऐसा नहीं मान सकते। एक मनुष्य इतने गहन गंभीर ज्ञान के किसी ग्रंथ को रचना नहीं कर सकता है। तो अवतरण होता है, जैसे श्री अरविंद हैं,
तो उनके शिष्य ये मानते हैं, उन्होंने अनेक पुस्तकें तो लिखी, उनमें तो वो लेखक मानते हैं, लेकिन एक उनकी अंतिम पुस्तक है सावित्री, तो उसको वो अवतरण मानते हैं कि वो लिखी नहीं गई, वो अवतरित हो गई, तो उसको वो वेद जैसे ही मानते हैं। तो ऐसे ही ये जो हैं दर्शन हैं, उपनिषद हैं, जैसे महर्षि पतंजलि जी के अंतःकरण में इसका अवतरण हुआ उस ज्ञान का, और वो अवतरण किसी भी आत्मा के अंतःकरण में हो सकता है। बीज रूप में चारों वेदों का ज्ञान सबके मन में प्रतिष्ठित है, और जो उस चेतना के उस लेवल पे पहुंच जाएगा जहां वो बिल्कुल प्योर आत्मा हो गया, कोई भी दोष नहीं है उसमें, कोई अज्ञान नहीं है, कोई अविद्या नहीं है, बिल्कुल विशुद्ध हो गया, तो फिर उसके माध्यम से जो भी रिफ्लेक्ट होगा वो अपौरुषेय होगा, पौरुषेय नहीं होगा वो। चाहे वो कुछ कर्म उसके माध्यम से भगवान करवाएगा, वो अपौरुषेय होगा, पौरुषेय कर्म नहीं होगा वो। चाहे कोई ग्रंथ उसके माध्यम से लिखवाया जाएगा, वो अपौरुषेय होगा। चाहे कोई सेवा उसके माध्यम से भगवान करवाएगा, वो अपौरुषेय सेवा होगी। जो भी उसके माध्यम से रिफ्लेक्ट होगा ना, अब वो उसका अपना नहीं होगा, वो अपौरुषेय ही है। तो अपने आप में तो ये जो मनुष्य है ये एक ट्यूबलाइट या बल्ब से ज्यादा कुछ नहीं है, पर ट्यूबलाइट या बल्ब में जो रोशनी है, चमक है, वो बल्ब या ट्यूबलाइट की थोड़ी ही है, रिफ्लेक्ट हो रही है उसके माध्यम से, वो उसकी अपनी नहीं है। तो ऐसे जो अलौकिक कार्य होते हैं, माने जिसको लौकिक व्यक्ति नहीं कर सकता है, जो बड़े कार्य होते हैं, चाहे वो कोई ग्रंथ है, चाहे वो कोई बहुत बड़ी सेवा है, चाहे वो कोई बहुत बड़ा बोलने का सामर्थ्य है, या वो कोई बहुत बड़ा योग आदि का जो सामर्थ्य है, वो पौरुष ही नहीं होता है। आज श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के माध्यम से जो सेवा हो रही है, योग की, आयुर्वेद की, अध्यात्म की, ये पौरुषेय सेवा नहीं है। महाराज जी उस भगवत सत्ता की पकड़ में आ गई, चैनल बन गई, अब तो वो चैनलाइज हो रही है, वो अपौरुषेय है ये सारा, पौरुषेय नहीं कह सकते इसको। एक सीमा तक पुरुष का पुरुषार्थ है, उतना पुरुषार्थ करके उसने अपने आप को पात्र बना लिया, अब उसके माध्यम से चैनलाइज होगी भगवत्ता। तो इस रूप में आप वेद को देख सकते हैं कि वेद जो चार ऋषियों के माध्यम से अभिव्यक्त हुए, तो माध्यम तो पुरुष ही बने, लेकिन तो भी उनको अपौरुषेय क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो केवल उन पुरुषों के द्वारा कोई पुस्तक की तरह, नावल की तरह लिख दिया गया हो, ऐसा ज्ञान नहीं है वो। तो इसलिए कोई व्यक्ति ने वेद ना भी पढ़े हों और उसने अन्य किसी भी माध्यम से कुछ तो आलंबन लेना पड़ता है, तो मानो उन्होंने केवल अहिंसा का आलंबन लिया, तो उन्होंने अपने आप को विशुद्ध कर लिया, तो वो ज्ञान उसके अंदर ही है वेद वाला, तो वो अभिव्यक्त हो जाएगा। पुस्तक तो किसी ने लिपिबद्ध कर दी, हमारे जैसे व्यक्तियों ने, कि वो सबको पढ़ने में आ जाए, इसलिए तो ऋषियों ने इन पुस्तक के रूप में तो नहीं उसको वेद को लिखा था, वो तो श्रुति परंपरा से चलते रहे, और जब सुनने से ही याद हो जाते थे तब तक पुस्तक थी नहीं, तो इसलिए उसको श्रुति ही कहते थे, श्रुति ज्ञान। और बुद्धि का सामर्थ्य कम हो गया कि सुनने से तो याद रहता नहीं, भूल जाते हैं, तब किसी ने उसको लिपिबद्ध कर दिया, जो आज वेद के रूप में हमारे सामने है। ठीक, और कोई प्रश्न है किसी का? ओम दीदी प्रणाम। जैसे हम दूसरों के दोषों को देखते हैं तो उनको दूर करने के लिए यदि हम उनसे सीधे कहते हैं तो, दूसरे के दोषों को देखते हैं आगे, और उनको मतलब वो अपने दोषों को दूर कर सकें, उसके लिए हम उनको अगर बताते हैं सीधे तौर पर, तो वो इस चीज़ का मतलब बुरा मानते हैं और हो सकता है हमारे प्रति द्वेष भावना रखें, और उनसे मतलब उनका दोष तो दूर नहीं होता है, बल्कि और एक उनका उनके मतलब दूसरों के प्रति अपराध भाव एक बढ़ जाता है। जो व्यक्ति दूसरों के दोष देखते हैं, आगे बोलो, आगे का स्पष्ट नहीं है।
जैसे हम किसी दूसरे के दोषों को अगर देखते हैं तो हम उनको दूर करने के लिए उनकी सहायता किस प्रकार करें, मतलब यदि हम उन्हें सीधे तौर पर बताते हैं तो हो सकता है वो इस बात का बुरा मान जाएं और वो हमारे सामने ना करें, या और सावधानी पूर्वक करें, बच के करें, तो उनको तो मतलब आपको चिंता दूसरे वाले दूसरे के दोषों की ज्यादा है कि अपने वालों की ज्यादा है? होना पहली तो ये बात है। तो अपने ही दोषों की चाहिए, लेकिन दूसरों के दोषों से भी कभी कभी क्या होता है, वातावरण में उनकी नेगेटिव वाइब्स तो पहुंचती नहीं, आप अपने वाला इतना बढ़ाओ। देखो, एक व्यक्ति एक ही वायुमंडल में दोष करने वाला है, दूसरा निर्दोष है। तो दोष वाले के दोष का प्रभाव पड़े तो निर्दोषता वाले की निर्दोषता का प्रभाव क्यों नहीं पड़ रहा है? इस संसार में योग करने वाले भी लोग हैं और रोग बढ़ाने वाले भी लोग हैं, और यहाँ पर इतने सारे रोगी आते हैं, 2,000 यहाँ हैं, 1,000 योगग्राम में, 3,000 लोग मिलकर के एक योगी को प्रभावित नहीं कर पाते हैं, उसको रोगी नहीं बना सकते, और एक योगी 3,000 लोगों को योगी बना के भेजता है यहाँ से, या निरोगी बना के भेजता है। तो प्रभाव किसका ज्यादा है, एक का ज्यादा है कि 3,000 का? 1,000 3,000 का ज्यादा है कि एक का? एक का ज्यादा है। एक का ज्यादा है, 3,000 मिलके भी नहीं उसको पराजित कर सकते हैं। तो दूसरों के दोष दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है, अपनी सात्विकता को बढ़ाओ, अपनी साधना को, अपने पुरुषार्थ को, अपने धर्म को, अपने कर्तव्य पालन को। आप जितना ज्यादा ऊपर उठोगे उतना व्यक्ति अपने आप प्रभावित हो जाएगा बिन कहे। सूरज किसी अंधेरे से आके लड़ाई नहीं करता है, सूरज जैसे जैसे चढ़ता जाता है अंधेरा अपने आप छंटता जाता है। तो कोई व्यक्ति दोष कर रहा है, दोष क्या हो सकते हैं, कोई प्रमाद कर सकता है, आलस्य कर सकता है, हमारे से झगड़ा कर सकता है, हमारे से द्वेष कर सकता है, अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर सकता है, यही तो दोष करेगा हमारे पास रहने वाला व्यक्ति। तो हम चाहते हैं कि उसके जीवन को भी प्रेरणा मिले, वो व्यक्ति भी अच्छे अच्छे काम किया करे, किसी से झगड़ा ना करे, संध्या हवन भजन ध्यान करे, पढ़ाई करे, व्यायाम करे, प्राणायाम करे, यही तो हम चाहते हैं, अच्छाई का पैमाना हमारा यही है। तो इसका एक ही उपाय है कि हम करने लग जाएं, और हम करने लग जाएं, और करने लग के ऐसा नहीं है कि जी 10-15 दिन हो गए, 1 महीना हो गया, मैं तो पिला हुआ हूँ, लगा हुआ हूँ, और इसके ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ रहा है। जितना मैं ज्यादा व्यायाम प्राणायाम ध्यान भजन स्वाध्याय करता हूँ उतना ये ज्यादा चिढ़ करके उसमें बाधा डालता है। तो मुझे 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, तो ये तो सुधर ही नहीं रहा है। तो इतनी ज्यादा जल्दी मत करना दूसरे को सुधारने की, क्योंकि बीज बोने के बाद किसान को 6 महीने धैर्य रखना पड़ता है फलाने के लिए, और कुछ बीज ऐसे हैं जिनके लिए साल भर धैर्य रखना पड़ता है। एक ऋतु आने पे ही, जैसे आम के फल 1 साल के बाद ही आएंगे, 6 महीने नहीं आएंगे। गेहूं जो बाजरे का फल 4-6 महीने में आ जाएगा, बाजरे का 2 महीने में आ जाता है। और किसी ने नारियल का बीज आज बोया है तो उसको 20 साल धैर्य रखना पड़ेगा, 15 साल धैर्य रखना पड़ेगा, वो अंकुर फूटेगा। तो आपका ये दूसरे के बदलने वाला जो बीज आज आपने बोया है, खुद साधना करना, तो इसके लिए आपको कम से कम 15-20-25-30 साल लग जाएंगे। 30 साल की जब आपकी ये साधना पक जाएगी तब आप दूसरे को बिना कहे परिवर्तित कर पाएंगे। लेकिन आज आप उनको परिवर्तित कर पाएंगे, उनके दोषों को मिटा पाएंगे, ये सामर्थ्य है नहीं अभी हमारे अंदर। तो अभी तो हमें अपनी सारी की सारी सामर्थ्य अपने दोषों को मिटाने में लगानी है, क्योंकि दूसरों के दोष देखने का भी अधिकारी वही व्यक्ति है जिसने अपने दोषों को मिटा लिया है।
उससे पहले तो दूसरों के दोष देखना अपने आप में ही एक दोष हो जाता है, तो अपने को वो नहीं देखना है, क्योंकि दूसरे के दोष देखने से अपनी ज़्यादा हानि होती है। अब आप कहते हो जी हम देखना थोड़ी चाहते हैं, वो तो अपने आप सामने आ जाते हैं और वो सारे माहौल को ख़राब कर देता है एक व्यक्ति। तो आप कोशिश करके देख लें उसको एक बार बताने की कि भाई आप ऐसा ना करो तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए भी और हम सब के लिए भी। और यदि वो आपके कहने से नाराज हो रहा है, जैसा कि आपने बताया किसी कहने से तो नाराज और हो जाते हैं, तो फिर आपको भगवान से शक्ति मांग करके अपनी ही साधना को बढ़ाना पड़ेगा कि भगवान जी मेरे को सामर्थ्य दें कि मैं इसके दोषों से प्रभावित ना हों, क्योंकि आपके साथ ही इस एनवायरनमेंट में, इस वायुमंडल में दूसरे लोग भी रहते हैं जो उस व्यक्ति के दोषों से प्रभावित नहीं होते, तो वैसे ही आप भी रहें। और मानो वो आपके कक्ष में ही रहता है या आपके पड़ोस वाले कक्ष में रहता है, तो आप कहोगे कि दूसरों को तो डिस्टरबेंस नहीं होती है, पर मेरे को तो उसके साथ ही रहना पड़ रहा है इसलिए डिस्टरबेंस है। तो आप मान लो कि पिछले जन्म का कोई साथी है आपका, कोई आत्मा, तो या तो आपने उसको सताया होगा तो आके अपना बदला ले रहा है, और या तो भगवान ने उसको भेजा होगा आपको पक्का बनाने के लिए, आपकी और ज़्यादा साधना करवाने के लिए, तो आप उसको पॉजिटिव वे में ले सकते हैं। और जैसे ही आपने उसकी तरफ से अपने आप को हटाया कि भाई आप अपने ढंग से जियो, आप भी एक स्वतंत्र आत्मा हो, मैं अपने ढंग से जीऊँगा, मैं भी एक स्वतंत्र आत्मा हूँ, और जैसे ही आपने उसकी परवाह करनी छोड़ी और उसने आपको सताना छोड़ा, क्योंकि दूसरे व्यक्ति हमें तब तक ही सताते हैं जब तक हम उनके सताए जाने को इम्पोर्टेंस देते हैं, महत्व देते हैं। हमने महत्व देना बंद कर दिया, वो सताना बंद कर देगा। तो समस्या एक, उपाय अनेक। तो मैंने आपको 4-5 उपाय बता दिए, उनमें से जो आपको पसंद आए उसको आप प्रयोग करो, ठीक है? और कोई प्रश्न है किसी का, आगे चलें? तो ये अपनी माताजी से पूछ रही हैं कि आपने मेरे को कहा कि लक्ष्मण और सीता सहित धर्मात्मा राम जब आएंगे और उनको जो लोग देखेंगे वो सिद्धार्थ हो जाएंगे, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये तीनों गए कहाँ? तो माता ने फिर यथा तत्वम आख्यातुम उपचक्रमे, जो जो घटित हुआ था वो कहना प्रारंभ किया। सही राजसुतः पुत्र चीरवासा महावनम दंडकान सह वैदेह्या लक्ष्मणानुचरो गतः तत्श्रुत्वा भरतस्त्रस्तो भ्रातुश्चारित्र शंकया स्वस्य वंशस्य माहात्म्यात् प्रष्टुम समुपचक्रमे। तो माता ने कहा सही राजसुतः पुत्र, हे पुत्र, वो जो राजा के पुत्र अर्थात जो श्री राम थे वो चीरवासा महावनम गतः, चीरवासा वल्कल वस्त्र पहन करके महावनम गत, महावन को चले गए वो। तो कौन से महावन को? दंडकान महावनम गत, दंडकारण्य को चले गए। सह वैदेह्या लक्ष्मण अनुचर, वैदेही के साथ चले गए दंडकारण्य को, और लक्ष्मण उनके अनुचर के रूप में, उनके पीछे पीछे चलने वाला अनुचर। तो लक्ष्मण उनके पीछे पीछे उनका अनुगमन करता हुआ चला गया, और सीता उनका साथ निभाने के लिए उनके साथ चली गई, और वो श्री राम तो महादंडक आरण्य में चले गई। तो वो वन में चले गए, ये सुनकर के भरत जी के मन में फिर आशंका होती है, मतलब माँ ने ये किया होगा ये आशंका नहीं होती है, राम जी से कोई त्रुटि हुई होगी, क्योंकि देश निकाला किसको दिया जाता है? जिसने कोई महान अपराध कर दिया हो। गुरुकुल में से निकाला किसको जाता है? या तो किसी ने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो, और या तो इस रास्ते में चलने की थोड़ी भी सामर्थ्य जिसमें ना हो उसी को तो निकाला जाएगा, नहीं तो क्यों निकालेंगे? छोटी मोटी त्रुटि करते हैं
तो छोटे मोटे दंड देते हैं, कभी समझाते हैं, कभी दंड देते हैं, लेकिन निकालते तो नहीं हैं। लेकिन देश से निकाला तभी जाता है, किसी स्थान से, घर से, देश से, जब उसने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो कि भाई अब तो इस व्यक्ति को घर में रखने योग्य ये रहा नहीं, देश में रखने योग्य नहीं है, ये देशद्रोही है, ऐसे। तो इनके मन में आशंका हुई कि भाई भाई को निकाल दिया महाराजा ने, तो उन्होंने ऐसा क्या किया था। तत्श्रुत्वा भरतः त्रस्त, ये सुनकर कि उनको महादंडकारण्य में भेज दिया गया है और वो भी चिरवासा, चिरकाल के लिए, और वो भी चीर वसन धारण करके, वलकल वस्त्र धारण करके उनको निकाल दिया है। तत्श्रुत्वा, ऐसा सुन करके भरतः त्रस्त, भरत भयभीत हो गई, त्रस्त हो गई, किससे? भ्रातुः चारित्र शंकया, अपने भाई के चरित्र की आशंका से वो भयभीत हो गए कि भाई ने कहीं कोई चरित्र संबंधी कोई दोष तो नहीं कर दिया, क्योंकि चरित्र, कुछ अपराध ऐसे होते हैं जो अक्षम्य होते हैं, जिनको क्षमा नहीं किया जा सकता। तो जैसे संस्थान में भी महाराज जी ने बता रखे हैं, चरित्र का दोष, आर्थिक अशुचिता, किसी ने कोई पैसे की गड़बड़ी कर दी, घोटाला कर दिया, तो ये अक्षम्य अपराध है। या किसी ने किसी की पिटाई कर दी, हाथ उठा लिया, तो यहाँ हाथ उठाना भी अक्षम्य अपराध है। हाथ से मार दिया या डंडे से किसी को मार दिया, हाथ उठा लिया, तो ये क्षमा करने योग्य नहीं है, फिर उस व्यक्ति को जाना ही पड़ेगा, ऐसा ही नियम है। तो इसलिए इनको भी भ्रातु चारित्र शंकया, अपने भाई के चरित्र की आशंका से भरत जी त्रस्तः, भयभीत हो गए। स्वस्य वंशस्य महात्म्यात्, क्योंकि जो इनका वंश था और उस वंश का जो महात्म्य है, उसकी जो कीर्ति है, यश है, गौरव है, उसके कारण प्रष्टुम सम उपचक्रमे, उन्होंने अपनी माताजी से पूछना शुरू किया कि ऐसी इस वंश में पैदा होने वाले सबसे बड़े राजकुमार ने चरित्र की ऐसी कौन सी भूल कर दी थी जिससे कि उनको देश निकाला दिया गया। कच्चिन्न ब्राह्मण धनम हृतम रामेण कस्यचित्, कस्यचित् नाढ्यो दरिद्रो वा तेना पापो विहिंसितः, कच्चिन्न परदारान् वा राजपुत्रोऽभिमन्यते, कस्मात् स दण्डकारण्ये भ्राता रामो विवासितः। एवं मुक्ता तु कैकेयी भर्तेन महात्मना, उवाच वचनं हृष्टा मूढा पण्डितमानिनी। न ब्राह्मण धनं किञ्चित् धृतं रामेण धीमतः, कश्चिन्नाढ्यो दरिद्रो वा तेना पापो विहिंसितः। न राम परदारांश्च चक्षुर्भ्यामपि पश्यति, मया तु पुत्र श्रुत्वैव रामस्यैवाभिषेचनं, याचितस्ते पिता राज्यं रामस्य च विवासनम्। स्ववृत्तिं समास्थाय पिता ते तत्तथा करोत्, रामश्च सह सौमित्रिः प्रेषितः सह सीतया। तो भरत जी अपनी माता जी से पूछते हैं, कच्चिन्न ब्राह्मण धनम हृतम रामेण, क्या श्री राम ने किसी ब्राह्मण के धन को आहरण कर लिया था क्या, किसी ब्राह्मण से उसका धन छीन लिया था क्या? तो ब्राह्मण व्यक्ति से धन छीनना बड़ा अपराध है,